आइसक्रीम बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आइए देखते हैं कि मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो 1 kg हम लोगों ने तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए तो 1 kg हम लोग लेंगे आम और इस तरीके से काट लेंगे। 1 kg हम लोग लेंगे, 1 प्याली हम लोग लेंगे कंडेंस मिल्क, 3 चम्मच हम लोग लेंगे मीठी दही, इनसे हम लोगों ने पानी निकाल लिया। सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी आज की इस रेसिपी बनाने के लिए, सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें ये आइसक्रीम बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, कोई सा भी हम लोगों ने ब्लेंडर जार ले लिया, उसके अंदर ऐड करेंगे आम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से हम लोग सारे मैंगो जो हम लोगों ने काट लिए थे, छील के हम लोगों ने काट लिए थे और फिर 1 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख दिए थे। तो अब हम इसे ऐड करेंगे ब्लेंडर जार में। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आप कंडेंस मिल्क की रेसिपी देखना चाहते हैं कि कैसे बनाई जाती है, तो मैं आपको क्लिप में दिखा दूंगा। अब ऐड करेंगे दही। ढक्कन रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इसे हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया। अब हम कोई सा भी बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से हम लोग ऐड कर देंगे और ये एकदम क्रीमी सा हमारा तैयार हो चुका है। तो हम लोग इसे फ्रीज होने के लिए रख देंगे ओवरनाइट के लिए, और जब हम सुबह उठेंगे तो ये एकदम फ्रीज हो जाएगी हमारी आइसक्रीम। तो चलिए मिलते हैं जब हमारी आइसक्रीम अच्छे तरीके से फ्रीज हो जाएगी। सो यूअर्स, आइसक्रीम हमारी एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं। मैंगो आइसक्रीम हमारी एकदम रेडी है, बहुत ही मजे की बनी है और बहुत ही जबरदस्त बनी है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि आइसक्रीम कैसे बनी है। बहुत ही मज़े की बनी है और फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। अल्लाह हाफिज़।